मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट रोल्स डिस्क्रिप्शन के बारे में, वो रोल है बिजनेस एनालिस्ट। तो सबके मन में एक शंका रहती है कि भाई बिजनेस एनालिस्ट ये रोल है, बट वो एग्जैक्टली करता क्या है। बहुत सारे डेवलपर्स को पता ही नहीं रहता कि बिजनेस एनालिस्ट रोल किस लिए है और वो रोल क्यों मिलता है। बट बिजनेस एनालिस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन आई टी इंडस्ट्री, हु इज ब्रिज बिटवीन द कस्टमर एंड डेवलपमेंट टीम। ओके, वो ब्रिज का काम करता है कस्टमर और डेवलपमेंट टीम के। तो उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो आज हम देखेंगे डिटेल। सो मैंने क्या किया है, मैंने एक 10 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक कलेक्शन करके रखा है। तो हर एक रोल्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो 10 या 12 मिनट का सेशन होगा, तो आप आराम से ये देखिए, सो के भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो अच्छे से, आपका नॉलेज ही गेन होगा इससे। और एक बात, मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछूंगा बीच में इस वीडियो के। अगर आप सही में अच्छे से आंसर दे पाओगे कमेंट सेक्शन में, और आप अगर लकी हो तो मैं आपको कुछ कूपन्स जो कि अमेजोन के कूपन से वो थ्रो करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस एनालिस्ट की, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो आपके मन में सवाल होगा कि रिक्वायरमेंट गैदर कौन करता है, वो तो डेवलपर नहीं करता ना, प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट करेगा, डेवलपर डेवलपमेंट करेगा, तो उसमें बीच में कौन है, वो है बिजनेस एनालिस्ट। सो बिजनेस एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू कोलैबोरेट विद द स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट फॉर बिजनेस नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, स्टेक होल्डर से बात करेगा वो, और पूरे रिक्वायरमेंट गैदर करेगा कि क्या एप्लीकेशन चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया है। सो वो रिक्वायरमेंट गैदर कैसे करेगा, तो उसको इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे बहुत सारे स्टेक होल्डर के साथ। सो वो कंडक्ट इंटरव्यूज करेगा। इंटरव्यूज मतलब सिंपल मीटिंग्स, इंटरव्यूज मतलब आप ऐसा मत सोचो कि इंटरव्यू मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, मीटिंग लेनी पड़ेगी आपको उनको, ताकि वो अच्छे से वर्क फ्लो अंडरस्टैंड कर पाए, क्यों क्या क्या चैलेंजेस है प्रोजेक्ट में वो अंडरस्टैंड कर पाए। तो एक एग्जांपल मैंने दिया है, बिजनेस एनालिस्ट वर्किंग फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी इंटरव्यूज की स्टेक होल्डर फ्रॉम द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन टू गैदर डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर न्यू मोबाइल एप्लीकेशन दे वांट टू बिल्ड। मतलब समझो हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है एक कस्टमर के। ओके, सो हर एक डिपार्टमेंट का हर एक डिपार्टमेंट हेड है। जैसे कि आईटी कंपनी का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट होगा, दूसरा डेटा डिपार्टमेंट होगा, टेस्टिंग डिपार्टमेंट होगा। सो और वो सॉफ्टवेयर बनाना है आपको ऑल डिपार्टमेंट कंसिडर करके। तो आपको एज ए बिजनेस एनालिस्ट क्या करना है, या बिजनेस एनालिस्ट रोल के लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबके इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे। इंटरव्यूज मतलब मीटिंग शेड्यूल करके लेनी पड़ेगी, वर्क फ्लो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और रिक्वायरमेंट गैदर करने पड़ेंगे। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज वन ऑफ द की रोल फॉर बिजनेस एनालिस्ट। सेकंड क्या है, डेटा एनालिसिस। सो ये डेटा एनालिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिस्ट के लिए, एनालाइजिंग डेटा टू अनकवर द इनसाइट एंड ट्रेंड्स दैट सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग। सो बिजनेस एनालिस्ट को भी ये एक रोल है, वो मिडल मैनेजमेंट का रोल है, ठीक है। तो उनको भी डिसीजन लेने पड़ते कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो डिसीजन लेने के लिए डेटा एनालिसिस बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टेंस एग्जामिनिंग सेल्स डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ कस्टमर परचेसिंग बिहेवियर। सो समझो आप एक रिटेल कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट हो, बड़े से रिटेल कंपनी, और आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें AI डालना है, और AI डाल के आपको कुछ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज रन करने हैं। जैसे कि Amazon का जब आप ये ओपन करते हो, वेबसाइट ओपन करते हो, नहीं तो कौन सी भी वेबसाइट ओपन करते हो, उसमें Amazon के एड्स आते रहते हैं, राइट, दोज आर प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज। तो उसके लिए आपको क्या, उन्होंने क्या किया, आपका डेटा एनालाइज किया कुकीज में से लेके, और वो आपको एड्स दिखा रहे हैं। जस्ट लाइक दैट आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम डेटा टीम, डेटा एनालिस्ट एंड टेक आउट, और आप क्या करो, उसका डेटा एनालाइज करके आप रिक्वायरमेंट गैदर करो। सो दैट रिक्वायरमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये सेकंड रोल है बिजनेस एनालिस्ट का, प्रोसेस मैपिंग। सो बिजनेस एनालिस्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट में भी रोल अदा करता है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉडलिंग करंट फ्यूचर बिजनेस प्रोसेसेस टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। मतलब क्या है,
तो वो क्या करेगा, करंट और फ्यूचर प्रोसेसेस जो है उसमें इम्प्रूवमेंट एरियाज बता सकता है। ओके, जैसे कि समझो एक बिजनेस एनालिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है और उसको एंड टू एंड प्रोसेस हैंडल करनी है, तो उनकी इनसफिशियंसीज क्या क्या है, प्रपोजिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टाइम एंड कॉस्ट। सो मेन गोल क्या रहता है हर एक कंपनी का, वो आपको हायर क्यों करते हैं, ताकि उनका कॉस्ट बच जाए, उनको कुछ फायदा हो जाए। सो आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके कॉस्ट बचा सकते हो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज एज वेल, राइट। सो प्रोसेस मैपिंग या इंप्रूविंग द प्रोसेस, ये भी बिजनेस एनालिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, नेक्स्ट रोल इज बिजनेस केस डेवलपमेंट। तो आपने बहुत सारे बीआरडीज देखे होंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स या फंक्शनल स्कोप डॉक्यूमेंट FSDs वगैरह देखे होंगे, राइट। सो वो कौन बनाता है, वो बिजनेस एनालिस्ट का रोल है। एक्सेसिंग द फिजिबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएटिंग द बिजनेस केसेस विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, सो प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस केसेस लिखना ये बिजनेस एनालिस्ट का काम है, जैसे कि UML डायग्राम होगा और कुछ डायग्राम हो गए जो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के बिजनेस केस डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैंने एक एग्जांपल देके रखा है। अ बिजनेस एनालिस्ट प्रिपेयर्स अ बिजनेस केस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि समझो आप एक CRM पे काम कर रहे हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस केसेस लिखने पड़ेंगे कस्टमर रिटेंशन एंड इंप्रूव सेल्स ट्रैकिंग के लिए। ओके, सो वो बिजनेस केस कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये काम भी बिजनेस एनालिस्ट का है। देन सॉल्यूशन डिजाइन, कोलैबोरेटिंग विथ IT एंड अदर टीम्स टू डिजाइन इफेक्टिव सॉल्यूशंस दैट मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ओके, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट्स ले लिए कस्टमर से, दे दिए डेवलपमेंट के टीम के पास, आर्किटेक्ट के पास, और डन, ये काम नहीं है बिजनेस एनालिस्ट का। उसको आर्किटेक्ट के साथ बैठना पड़ेगा, सॉल्यूशन डिजाइनिंग में भी उसको पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा, क्योंकि आर्किटेक्ट को भी कुछ सवाल होंगे जिसका आंसर सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट दे सकता है, क्योंकि कस्टमर से कौन बात करता है, बिजनेस एनालिस्ट, राइट। सो सॉल्यूशन डिजाइन में पार्टिसिपेशन करना, ये एक अनदर टास्क है बिजनेस एनालिस्ट का। ओके, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, बिजनेस एनालिस्ट कोलैबोरेट्स विद मार्केटिंग एंड IT teams to design a customer loyalty program that integrates with company website, rewards customer based on their purchase history. So, अगर एक कोई reward system use करनी है, हमें create करनी है customer के लिए, या purchase, मतलब purchase software है, कोई software होगा Amazon जैसा, और वो reward देना है, reward system आपने देखी होगी Amazon में, वो आपको develop करनी है, integrate करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, as a business analyst आपको सब department, जो जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, IT टीम्स, उनसे बात करके वो पूरा सॉल्यूशन डिजाइन करना है कि ऐसे सॉल्यूशन होगा, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू होगा। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट टास्क फॉर बिजनेस एनालिस्ट। नॉट सेइंग कि उसको एंड टू एंड टेस्टिंग करना पड़ता है, बट बिफोर जो कस्टमर का टेस्टिंग रहता है हमारा, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उससे पहले बिजनेस एनालिस्ट को एक बार या दो बार टेस्ट करना है आपका पूरा सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर या टूल, वट एवर यू आर डेवलपिंग। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, बिकॉज बिजनेस एनालिस्ट को पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ओके, सो बिफोर, अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, टेस्टिंग हो गया और कस्टमर को दे दिया, उसमें फॉल्ट आ गए, कस्टमर को इश्यू होगा ना, वो सिर्फ फिर से आपको पकड़ेगा, उससे अच्छा है बिजनेस एनालिस्ट से एक बार टेस्ट करके ले लो, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और फिर वो सॉफ्टवेयर आगे बढ़ा। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम है बिजनेस एनालिस्ट का, या रोल है बिजनेस एनालिस्ट का। ओके, जैसे कि आप नई ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हो ट्रैवल एजेंसी के लिए, तो आपको सब सिनेरियोस आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, फ्लाइट्स बुकिंग के, होटल बुकिंग के, और इश्यूज है कि नहीं वो चेक करने पड़ेंगे एज अ बिजनेस एनालिस्ट। उसको यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं, बट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बहुत बहुत बार अभी क्लाइंट साइड पे हो रहा है, तो बिजनेस एनालिस्ट, आप अगर समझो वेंडर साइड पे हो, तो बिजनेस एनालिस्ट करके आपको एक बार टेस्टिंग करना पड़ता है बिफोर गिविंग दैट सॉफ्टवेयर टू यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, चेंज मैनेजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है बिजनेस एनालिस्ट का। असिस्टिंग इन स्मूथ ट्रांजिशन टू न्यू प्रोसेसेस एंड सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड ट्रेनिंग टू एंड यूजर्स। मतलब अगर कोई चेंज आता है सॉफ्टवेयर में, समझो आपने एक नई फंक्शनलिटी डाल दी, ठीक है,
यूजर को पता ही नहीं है नई फंक्शनलिटी आई है, यूजर का क्या सपने में आएगा कि नई फंक्शनलिटी आई है आपको ऐसे यूज करना है कैसे यूज करना है। तो ये काम मेन बिजनेस एनालिस्ट का है कि थरो कम्युनिकेट करना है यूजर से कि हम ये फंक्शनलिटी डाल रहे हैं अभी, ये ऐसे टेस्ट करना है, टेस्ट करके आपको ये ऐसे यूज करना है, उसके लिए ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे उनको। ओके, जैसे कि मैं काम कर रहा था लॉजिस्टिक्स के एक कंपनी में, ओके, फ्यू इयर्स बैक, तो उसमें हमने एक फंक्शनलिटी डाली थी नई नोटिफिकेशन सिस्टम्स करके, तो अचानक से हमने वो यूजर या कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ यूजर के साथ, अचानक से यूजर घबरा गए कि ये क्या हो गया सॉफ्टवेयर को, नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है। तो ये कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, प्लस आपको ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए, मतलब चेंज मैनेजमेंट में उसका मतलब बिजनेस एनालिस्ट को चेंज मैनेजमेंट में भी आप कंट्रीब्यूट करना है। देन स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टास्क फॉर बिजनेस एनालिस्ट, मेंटेनिंग क्लियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर थ्रू आउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। मतलब जब तक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तब तक आपको अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना है स्टेक होल्डर को, स्टेक होल्डर को करेक्ट स्टेटस देना है प्रोजेक्ट का। ये तो कोई फीचर अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है आप बोल रहे हो टेस्टिंग में है, ऐसा नहीं चलेगा, स्टेक होल्डर आपको पकड़ेगा, राइट? सो स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एनालिस्ट। ओके, सो जैसे कि एक मैंने एग्जांपल दिया है, बिजनेस एनालिस्ट वर्किंग ऑन वेबसाइट रीडिजाइन, प्रोजेक्ट रेगुलरली कम्युनिकेट्स अपडेट प्रोग्रेस पोटेंशियल रिस्क टू प्रोजेक्ट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव स्टेक होल्डर्स। ओके, सो जैसे कि हमारे WSR रहते हैं, वीकली स्टेटस रिपोर्ट्स रहते हैं, वीकली स्टेटस मीटिंग्स रहती है, मंथली स्टेटस मीटिंग रहती है MSRs, सो वो भी बिजनेस एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको करना है, राइट? सो मैंने पूछा आपको, बोला था कि एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं बीच में, तो क्वेश्चन है कि बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए क्या क्या क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप कमेंट में इसका आंसर दे देना, इफ यू आर लकी आई विल गिव यू द पल्स। Then next is problem solving, identifying business challenges and proposing the innovative solutions is role of business analyst. Okay, कि आपको problem solve करके उसको, अगर समझो कोई problem आ रहा है functionally किसी भी चीज में, तो वो responsible person कौन रहेगा? Business analyst रहेगा, क्योंकि वो functional है पूरा, तो client को बात करके उसका functional knowledge use करके वो problem identify करके resolve करना है। Okay, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, अ बिजनेस एनालिस्ट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाइज अ हाई रेट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक बैंकिंग प्रोसेस। समझो आप एक बैंकिंग में बिजनेस एनालिस्ट का काम कर रहे हो और नेट बैंकिंग में इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, तो उसको रीडिजाइन करने का सॉल्यूशन, रीडिजाइन करने का प्रपोजल आप दे सकते हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट टू ऑल स्टेक होल्डर्स। लास्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो बिजनेस एनालिस्ट assisting in project planning coordination as well to project manager. So business analyst को project manager के साथ या scrum master आजकल closely काम करना पड़ता है, तो scrum master के साथ business analyst नहीं रहता, business analyst का role थोड़ा सा change हो जाता है product owner में, but yeah, project planning coordination, ensuring deliverables, इसमें उसको काम करना पड़ता है और उसको make sure करना पड़ता है कि project will be completing within a time with a budget, good budget. Okay, so ये बहुत important है business analyst का role. So मैंने एक example दिया है, business analyst takes the role of project manager for software development project, coordinating task timelines and resources to ensure the successful delivery of new software project. मतलब उसको एक मैं बोलता हूँ कि उसको shadowing करना है project manager को, क्योंकि वो कस्टमर के साथ भी काम करता है और डेवलपमेंट टीम के साथ भी काम करता है, राइट? सो उसको सब पता होना चाहिए प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आना चाहिए उसको। ओके, तो ये कुछ बिजनेस एनालिस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर करो वीडियो, शेयर करो प्लीज। वीडियो वायरल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्रिप्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो टिल द एंड। चीयर्स।